दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और हिमाचल और उत्तराखंड से पानी छोड़ा गया, यानी कि हथनीकुंड बैराज को खोल दिया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली के निचले हिस्सों में बाढ़ कैसे हालात हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जैतपुर, और जैतपुर की जमुना की तरफ को, जो जैतपुर पूछता है, राइट में जैतपुर है और लेफ्ट में विश्वकर्मा कॉलोनी कहलाती है। ये जमुना के साथ लगे हुए पुश्ते के निचला हिस्सा है और ये पूरी तरह डूब गया है। यहाँ बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पर खेती करते थे, यानी कि सब्जियाँ उगाते थे। जो ताज़ा सब्जियाँ सुबह आपको मिलती हैं, उसमें से बहुत से लोग सब्ज़ी यहीं से लेके आते हैं और आपको सेल करते हैं। यहीं पर लोगों ने मकान बनाए हुए, यानी कि विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरह डेवलप थी। यहाँ पर बेहतरीन सड़कें थीं, स्कूल भी थे, मस्जिद थी, मदारिस थे, मंदिर थे, और बहुत से लोगों ने आप में से देखा होगा ये कॉलोनी पूरी तरह पानी में डूब गई है। आप देखेंगे और से आपको जगह जगह कुछ मकानों के ऊपरी हिस्से नज़र आएंगे। ये देखें, आपको दूर कुछ हिस्से पानी में नज़र आ रहे होंगे मकानों के। ये कुछ दिन पहले तक यहाँ लोग रहते थे और ये तमाम लोग अब बेघर हो चुके हैं। इनके मकान पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। ये देखें, आपको एक मकान का ऊपर का हिस्सा नज़र आ रहा है, यानी कि अंदर जो कुछ भी मकान में होगा वो अब सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा। सिर्फ लोग जान बचा के अपने यहाँ से भाग गए हैं और वो अभी जैतपुर पुश्ते पे जगह जगह पन्नियाँ तान के बैठे हुए हैं और उस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि शायद कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। ये देखें, ये जो थे यहाँ मकान थे, ये सब लोग अब मकान छोड़ के यहाँ से भाग गए हैं, क्योंकि जमुना में पानी आने से विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी तरह डूब गई है। ये तो बच्चे आपको जाते नज़र आ रहे होंगे। लोगों ने इनसे मना किया, इसने कहा घर में एक बक्सा है, पता नहीं उस बक्से में क्या था। बहरहाल ये बच्चे उस बक्से को निकालने जा रहे हैं, लेकिन मुकामी लोगों ने बताया कि ये बच्चे आगे जाके गायब हो गए, किधर को गए, क्या हुआ, इनकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। दुआ करें ये बच्चे सलामत हों और जीवित हों। बहरहाल इन बच्चों की कोई ख़बर लोगों ने वहाँ नहीं दी। ये देखें, सामने इनके मकान नज़र आ, शायद ये अपने मकान में से कोई बक्सा बता रहे हम लोग लेने जा रहे हैं। ये यहाँ पर मकान हुए, कुछ मकान तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उनके ऊपर तक, क्योंकि 3 मीटर से ज़्यादा यहाँ पानी है। कुछ मकान के कुछ हिस्से आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, सामने ये मकान नज़र आ रहा है, यहाँ लोग रहते थे। कितनी मुश्किल से तिनका तिनका जोड़ के लोगों ने 10 साल में 20 साल में ज़मीन ली, मकान बनाया, घर में ज़रूरत का सामान इकट्ठा करा, लेकिन चंद घंटों की बारिश ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ये लोग फिर पन्नी तान के रोड पर रहने को मजबूर हैं और इस उम्मीद पर बैठे हैं कि शायद कोई आएगा और हमारा हाल चाल पूछेगा। देखें, यहाँ एक कॉलोनी हुआ करती थी। ये देखें, ये वो लोग हैं जो कॉलोनी के बाहर रोड पर बैठे हैं। कुछ लोग तमाशगीन बने हुए हैं जो ये सब कुछ मंज़र देखने आए हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं इनके। ये सामने आपको दो ताज एक्सप्रेस वे जो है उस पर जो दूर है वो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। ये ताज एक्सप्रेस वे और जैतपुर के बीच का हिस्सा है जो जमुना से लगा हुआ है। ये देखें, इस आपको विश्वकर्मा कॉलोनी कुछ मकान नज़र आ रहे हैं। यहाँ लोग रहा करते थे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ जहाँ तक नज़र जा रही है पानी है। दिल्ली के तमाम निचले हिस्सों का यही हाल है। इधर जामिया नगर में जो बटला हाउस है वहाँ पर पानी आ गया है। इधर लोहिया पुल के आसपास जो आबादी थी वो पूरी तरह डूब चुके हैं। मोनेस्टी में तमाम जगह पानी है। कश्मीरी गेट पूरी तरह डूबा हुआ है। लाल किले का जो पिछला हिस्सा है वो पूरी तरह डूबा हुआ है, वहाँ तब में पानी है। राजघाट वाले रोड को बंद कर दिया गया है। कश्मीर गेट बस अड्डे का